an elementary school classroom in a slum. झुग्गी झोपड़ियों में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा. And this poem has been written by Stephen Spender. And in this poem, the poet voices concern for children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessings of life. Poet अपनी चिंता उन बच्चों के लिए व्यक्त करते हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में यानी कि स्लम्स में रहते हैं. And they have no opportunity to enjoy the real blessings of life. और उनके पास जिंदगी की जो असली blessings हैं, खुशियां हैं, वो कभी भी ऐसे अवसर नहीं पाते हैं कि वो इनको enjoy कर पाएं. और उनका जीवन पूरी तरह सीमित रह जाता है और वे इस दुनिया में अपने आप को कभी भी खुश नसीब नहीं पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो ये वीडियोस हैं आपके लिए हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक्स नहीं करते, अपने कमेंट्स देकर हमें अपनी राय नहीं बताते. तो आप सभी से आशा करता हूँ कि आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओगे और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करोगे. और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. दूर दूर झोंकेदार हवाओं में इन बच्चों के चेहरे ऐसे दिखते हैं जो कि रूटलेस वीड्स के जैसे हैं. रूटलेस वीड्स यानी कि ऐसी खरपतवार, ऐसे घास फूस जिसकी जड़ें जमीन पे नहीं टिकी हुई. घास फूस यानी ये बिल्कुल मुरझाए हुए और एक सूखी घास की तरह दिखाई दे रहे हैं. द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर जो इनके बाल हैं, टोन अराउंड फैले पड़े हैं. देयर पैलर, पैलर यानी कि ऐसे शरीर पर जो कि पीला पड़ गया है, जो कि कमियों की वजह से असामान्य तरीके से पीला पड़ा हुआ है. यानी इन बच्चों के चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए, पीले पड़े हुए और एक कमज़ोर शरीर वाले हैं. द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जिसका सर वेट डाउन है यानी कि उसका सर झुका हुआ है वजन से, जिम्मेदारियों से और बोझ से. द पेपर सेमिंग बॉय, लड़का बिल्कुल ऐसा है जो कि पेपर यानी कि एक पेज के जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना पतला लड़का जो कि बिल्कुल पेज के समान है. विद रेट्स आइज, और उसकी जो आंखें हैं एक चूहे की तरह है. यहाँ पे रेट्स आइज का मतलब है बिल्कुल डरी हुई, स्मॉल एंड टेरिफाइड आइज. इस तरीके से कक्षा में बैठा है कि जैसे कि उसकी आंखें छोटी छोटी और एक चूहे जैसी डरी हुई लग रही हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर, जो कि एक स्टंटेड है. स्टंटेड यानी कि रुका हुआ, अविकसित. उसको देखकर लगता है कि उसकी जो ग्रोथ है उसका पूर्णतः विकास नहीं हो पाया. अनलकी हेयर यानी कि दुर्भाग्य से उसे हेयर यानी कि उत्तराधिकार में, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उत्तराधिकार में उसे क्या मिला है, सिर्फ मुड़ी हुई हड्डियाँ. उस बच्चे का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं है. उस शरीर में काफ़ी बीमारियाँ हैं जिसमें कि उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, जो कि उसे उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता से, अपनी फैमिली से मिली हुई हैं. ये मुड़ी हुई हड्डियाँ प्रदर्शित कर रही हैं, बता रही हैं, सुना रही हैं. रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल्ड डिजीज, एक पिता की खुद की गठिया की रोग की बीमारी, यानी कि इसके पिता को गठिया रोग हो गया था, यानी कि काफ़ी मेहनत करने की वजह से उनकी हड्डियाँ ट्विस्टेड और बिल्कुल कमज़ोर यानी कि मुड़ी हुई हो गई थी, जो कि हेयर के रूप में, एक उत्तराधिकार के रूप में इस बच्चे को भी मिल गई. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसके डेस्क पर एक लेसन, एक पाठ रखा हुआ है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो कि डिम एक मंद कम रोशनी वाली कक्षा में ये बच्चा बैठा हुआ है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास यानी कि इस कक्षा में बिल्कुल अंत के डेस्क पर बैठा हुआ है. वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, ये बच्चा बिल्कुल अननोटेड यानी कोई भी इसको नोट नहीं कर रहा है. छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा पीछे कक्षा में, कक्षा के अंधेरे में खोया हुआ है. हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं एक सपने में खोई हुई है. ऑफ स्क्विरल्स गेम, जो कि गिलहरियों का एक खेल देख रहा है. एंट्री रूम, जहाँ पर कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर खेलती हुई गिलहरियों की तरफ इस बच्चे का ध्यान है. अदर देन दिस, इसके अलावा बच्चा और कुछ नहीं देख रहा.
ऑन सावर क्रीम वॉल्स, यानी जो दीवारें हैं बिल्कुल ऐसी हैं जिसमें से एक खटास भरी स्मेल आ रही है, जैसे एक सड़ी हुई या बासी क्रीम में से जो गंध आती है। यहाँ पर कक्षा का ये माहौल है। डोनेशंस, जो कि डोनेशंस देकर, दान देकर इस विद्यालय में आगे चीज़ें बनाई जा रही हैं, चीज़ें दी जा रही हैं। इनकी कक्षा में अनेकों चित्र टंगे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर का चित्र यानी कि उसका फोटो कक्षा में टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, यानी कि सुबह होती हुई प्रदर्शित कर रहा है ऐसा चित्र जिसमें सुबह का विवरण है और बादल बिल्कुल हटे हुए हैं, यानी एक नए सुबह की शुरुआत को दर्शा रहा है। सिविलाइज्ड टॉम राइडिंग ऑल सिटीज, इसमें एक शहर में गिरजाघर को दर्शाया गया है। बेल्ट, जिसमें कि घंटी टंगी हुई है, फ्लावरी फूलों से भरा हुआ है। टायरोल्स वैली, जिसमें कि एक टायरोल्स वैली यानी कि टायरोल्स घाटी को भी दर्शाया गया है, यानी प्रकृति की वो सभी सुंदर चीज़ें इनकी कक्षा में टंगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप, यानी कि एक विशाल खुले हाथों वाला, यानी एक ऐसा विशाल नक्शा इनकी कक्षा में टंगा हुआ है जो पूरी दुनिया को दर्शा रहा है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को इसमें प्रदर्शित कर रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ जिसमें से बाहर देख रहे हैं, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इनके लिए यही इनकी दुनिया है, यही इनका नक्शा है। वेर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग, जहाँ पर इनका पूरा भविष्य फ्यूचर रंगा गया है विद अ फोग, यानी कि धुंध से, यानी इनका पूरा भविष्य धुंधला है, अंधकार में है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और इनकी भीड़ी भीड़ी पतली पतली गलियाँ जो कि इनमें से आसानी से हल्का सा आसमान देखा जा सकता है जो कि इनको रास्ता दिखाता है। लीड स्काई, यहाँ पर इनको आसमान ही थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इनका आसमान दैट इज़ डल ग्रे स्काई, पूरी तरह से ग्रे है, धुंधला है, यानी कि अंधकार में है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, दूर दूर नदियों से, केप्स यानी कि वो भूमि जो समुद्र में दिखाई देती है एक आशा की किरण की तरह। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और पूरी इनकी ज़िंदगी स्टार्स ऑफ वर्ड्स उन सितारों से भरी हुई हैं जो कि शब्दों के सितारे हैं, यानी कि उन झूठे वादों से भरी हुई हैं जो कि नेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने इनके साथ किए हुए हैं, और यही इनकी दुनिया है, यही इनका नक्शा है। श्योरली शेक्सपियर्स इज़ विकेट, यानी जो शेक्सपियर्स की जो तस्वीर लगाई गई हैं वो दुष्ट हैं, बेकार हैं, विकेड हैं। द मैप अ बैड एग्जांपल, इनके लिए जो मैप लगाया गया है वो एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स, जिसमें कि पानी के जहाज, एंड सन सूरज, एंड लव टेम्पटिंग, जिसमें कि प्यार से आकर्षित करने वाली, टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि इनको आकर्षित कर रही हैं चीज़ें चुराने के लिए, स्टील करने के लिए। फॉर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी के लिए, दैट स्लाइली, स्लाइली यानी कि धूर्तपूर्वक तरीके से छिपकर, चालाकी से, इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, कि जहाँ पर ये छिपकर चुपचाप दबे कुचले होकर, क्रैम्प्ड होल्स में यानी कि तंग घरों में, तंग होल्स में, ऐसे छेदों में रहते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, घिचपिच और तंग हैं। इनका मन भी इन चीज़ों को देखकर इस दुनिया से बाहर जाने का मन करता है। टेम्प्टिंग यानी कि आकर्षित करने वाले इन क्षेत्रों में ये लोग भी जाएं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी है वो फॉग यानी कि धुंध से भरी हुई हैं, और एंडलेस नाइट और अंतहीन रातें इनकी ज़िंदगी में हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, और उनकी जो ज़िंदगी है वो एक कूड़े के ढेर, यानी कि जो धातु से निकला हुआ मल उनके आसपास ही है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन स्पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, इन बच्चों की जो स्किन है यानी इनकी जो त्वचा है वो पीप्ड थ्रू यानी कि आसानी से ऐसे देखी जा सकती हैं झांक कर, जिसमें से कि इनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, यानी इतने कमज़ोर हैं जो कि इनकी स्किन से हड्डियाँ अलग से दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और जो स्पेक्टिकल्स इन्होंने पहने हुए हैं यानी कि जो चश्मे इन्होंने लगा रखे हैं विद मैंडेड ग्लास, जो कि रिपेयर किए हुए, ठीक किए हुए यानी कि सुधारे हुए ग्लास हैं।
लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जिससे एक टूटी हुई बॉटल के टुकड़े एक पत्थर के ऊपर पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, जो भी इनकी ज़िंदगी है, जो इनका समय है, इनका सब कुछ, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, फॉगी स्लम, यानी धुंध से भरी हुई झुग्गी और झोपड़ियाँ। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और इनके जो मैप्स हैं, जो नक्शे हैं, इनमें इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। अगर ये झुग्गी झोपड़ियाँ इनके नक्शे में दिखाई जाएं, तो वो एक ब्लॉट की तरह होंगी, यानी कि एक धब्बे की तरह होंगी। ब्लॉट देयर मैप्स इनके मैप को ख़राब कर देंगी, एज बिग एज डूम, डूम यानी कि अर्थी की तरह, मृत्यु की तरह, एक विनाश की तरह। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एट दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, जब तक ये सब कुछ होता रहेगा, गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स ये इनका शोषण करते रहेंगे, जब तक ये रहेंगे या इनके लिए कोई सुधार नहीं करते, तो इनकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, एक बंद खिड़की की तरह, दैट शट अपॉन, जो कि बंद होती है, देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, यानी कि कब्रों के तहखाने की तरह, एक ऐसा तहखाना जहाँ पर इनकी कब्र बन जाती हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं कैटकॉम्ब्स में समा जाती है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तब तक तोड़ते रहो, तोड़ो जब तक ये टाउन, ये कस्बे टूट ना जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे लहलहाते खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर, और इनकी ज़िंदगी को ऐसी बनाओ कि खुले आसमान जैसी ज़िंदगी देख सकें, एक ऐसे नीले आसमान को देख सकें जिसमें रोशनी भरी हुई है, उन गोल्ड सैंड्स, और उनकी ज़िंदगी में गोल्ड सोने जैसा रेत हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो जीभ है उसको चलने दो, यानी कि पूरी ताकत के साथ खुलने दो, इनको चीज़ों को पढ़ने दो, चीज़ों को सीखने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, हरी और सफ़ेद जो पत्तियां हैं, यानी प्रकृति और इनकी किताबें। ओपन हिस्ट्री देयर्स हूज लैंग्वेज इज़ द सन, और एक ऐसी इनकी लैंग्वेज हो, ऐसी भाषा हो जिसकी भाषा सूरज यानी कि सूर्य हो, सूरज की तरह चमके, जिसमें ना कि कोई चिंताएं हों, ना कि कोई वरीज हों, और इनका जो चेहरा है चिंता और दुख से मुक्त हो।